सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फरिंदा क्षेत्र के फुलमनहा इंटर कॉलेज में जनसभा को किए संबोधित। फरिंदा विधानसभा सभा प्रत्याशी पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी के समर्थन में पूर्व सीएम अखिलेश ने वोट देने की अपील की। भाजपा का निशाना साधते हुए सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रदेश में अराजकता का माहौल फैल चुका है, महंगाई बेरोजगारी प्रदेश में फल फूल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को 5 साल में केवल मूर्खी बनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम सरकार केवल समाजवादी सरकार ही बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी तो केवल झूठे वादे कर सकती है। आज तक बाबा जी ने कभी जनता को लैपटॉप नहीं दिया है। जनसभा में अखिलेश ने भर्तियों का मुद्दा उठाकर युवाओं और सभाओं छात्रों को साधा। उन्होंने सपा की सरकार बनाने पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी तथा अन्य गड़बड़ियों की जांच कराने की बात कही, साथ में नियुक्तियों का पिटारा खोलने का भी वादा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में रिक्त 11 लाख एवं आईटी सेक्टर में 22 लाख पदों पर भर्ती का वादा किया। आईटी सेक्टर में भर्ती के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीए टीटी पास युवाओं को सम्मानित किया जाएगा, 2016 की दरोगा भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने जरूरत के हिसाब से नए पाठ्यक्रम तैयार करने की बात कही। और इसके बाद मुझे गोरखपुर में समाजवादी विजय रथ भी चलाना है। मैं जो जन समर्थन देख रहा हूं, जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है और जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। इनके प्रत्याशियों को आपने देखा होगा, आजकल इनके प्रत्याशी माफी मांगते घूम रहे हैं। जब से पहला दूसरा तीसरे चौथे चरण का चुनाव खत्म हुआ है, आपने इनके प्रत्याशियों को देखा होगा कि कुछ लोग मंच पे दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। और अभी एक बीजेपी का प्रत्याशी हमने देखा और आप लोगों को भी जानकारी हो गई होगी कि कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा था। और कल एक प्रत्याशी को देखा कि वो तेल मालिश कर करके माफी मांग करके वोट मांग रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग सर पे चंपी भी लगाएंगे तब भी इनको माफ करने वाला नहीं है। बताओ, इन्हें माफ तो नहीं करोगे? कहने को तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बताओ इनके नेता झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने किसानों से कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बताओ किसान भाइयों, कितनों की आय दोगुनी हो गई इनकी सरकार में? और जब आप खाद लेने गए होगे तो आपको खाद भी नहीं मिली, और जब खाद की बोरी आप घर पे लेके आए होगे तो बताओ उनके 5 किलो भी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी नहीं मिली, और बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि ये महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस बार अगर गलती हो गई तो अभी तो ये बोरी में से 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, दोबारा सरकार में आ गए तो 10 किलो की चोरी करेंगे। और ये पेट्रोल जो अभी 100 के पार है, इनकी सरकार बन गई तो 200 पार हो जाएगा। बताओ इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बीजेपी के लोग बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी। ये बोरी में जो चोरी हो रही है वो पता नहीं कहां से सीखे होंगे। लेकिन हमारे साथियों बताओ,
आपने कभी पार्ले जी के बिस्किट को पैकेट को देखा? पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो आप लोग। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री जी? 5 साल इन्हें मौका दिया, बताओ नौजवानों आपके लिए क्या किया? हमारे शिक्षा मित्र के भाइयों, 5 साल और इंतजार करोगे? आपको धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? ये बीएड टेट वाले लोग, बताओ आपको धोखा मिला कि नहीं मिला? 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम गर्मी निकाल देंगे, और जब से वोट पड़े हैं और आज का भी वोट पड़ गया है, आप देख लेना इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ जाएंगे। और इतने ठंडे पड़ गए हैं कि भाजपा के नेताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए हैं, घरों से झंडे उतर गए हैं, और इनके बूथों पे जाकर के देखो आजकल भूत नाच रहे हैं। ये हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और बाबा जी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। इनके भाषण सुने होंगे आपने, ये कह रहे हैं 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से इन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात की है, हमने भी इनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। ये हमारे मंत्री रहे शंकरलाल मांझी जी जानते होंगे, हमारा घर और बाबा जी मुख्यमंत्री जी का घर बगल बगल में है, केवल दीवार एक है। और आजकल मैं शाम को देखता हूं तो धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले जा रहे थे उनके घर पे, मुख्यमंत्री आवास में पुताई वाले जा रहे थे। मैंने उन्हें रोक करके पूछा, पुताई वालों कहां जा रहे हो? तो बता रहे थे कि वो जो धुएं के काले धब्बे लग गए उनको हम पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये जो गर्मी निकाल रहे थे, कल भी मैंने कार्यक्रम देखा महाराजगंज का, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था कल भी, और उसके बाद गोरखपुर कार्यक्रम दिया, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम गोरखपुर में कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। मुझे तो ये लगता है कि इस बार गोरखपुर वाले ही बाबा जी की भाप निकाल देंगे। और मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 3 साल से आप भर्ती का इंतजार कर रहे हो, ये भर्ती देखना चाहते थे और वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक भर्ती नहीं हुई है। हम नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो गर्मी निकालने वाले उनको बता के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकालने का काम सरकार में होगा। न केवल फौज में भर्ती बल्कि पुलिस में भी नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी पढ़ रहे हैं आजकल, एबीसीडी पढ़ रहे हैं इनके नेता। कभी कहते हैं ए फॉर ये, बी फॉर ये, जेड फॉर ये, एंड फॉर ये। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जनता इस बार इनकी एक्स वाई जेड कर देगी। और ये जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा जी भी जाएंगे।
और काका का मतलब है काले कानून। बताओ तीनों काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? ये वो काले कानून थे, अगर लागू हो जाते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, हमारे किसानों को खेती अपने खेत में नहीं कर पाते, बाहर के लोग आते और पूरी खेती छीन लेते, आने वाली पीढ़ी को मजदूर बनना पड़ता। इसीलिए हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे, और न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन किया बल्कि पंजाब, हरियाणा और देश के किसानों ने आंदोलन कर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। काले कानून चले गए, हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। हम इन बीजेपी के लोगों को कहना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। बताओ माफ तो नहीं कर दोगे? जिन्होंने 5 साल धोखा दिया उन्हें माफ तो नहीं कर दोगे? ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी देवरिया में सुन रहे थे कि बड़े बड़े बातें कह रहे हैं कि हम परिवारवादी लोग, घोर परिवारवादी लोग। ये बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं दूर दूर से, वो ये कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी, हम लोगों को कह रहे हैं घोर परिवारवादी, वो पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का ख्याल नहीं रखते। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम समाजवादियों पे आरोप लगा रहे हैं। हम अपने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े तमाम लोगों को पूछना चाहते हैं कि बताओ सरकार आपकी थी, आपने इस समाज से कितने आईएएस बना दिए, कितने पीसीएस बना दिए? और पता कर लो, इन्होंने नया तरीका निकाला है, इन्होंने नया तरीका निकाला है अपने कार्यकर्ताओं को आईएएस बनाने का। जो आईएएस बनाए जा रहे हैं दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। बताओ 60 के लगभग आईएएस बना दिए कि नहीं बना दिए? बताओ आपके बीच का कौन है? कोई है आपके बीच में? आपके बीच का नहीं है कोई भी। और अब ये तैयारी कर रहे हैं यूपी में भी पीसीएस बना देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं अपने बोर्ड की ताकत से इनको सबक सिखाने का काम करना। और ये लोग जो जातियों में कभी कभी झगड़ा कराते हैं, कहते हैं कि ये जाति इतनी है, ये जाति इतनी है, ये है ही नहीं, कई जातियों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए न केवल समाजवादी पार्टी, बहुत सारे दल जो हमारे साथ आए हैं वो सब चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हो जाएगी तो सरकार को आसानी होगी जाति के हिसाब से लोगों की मदद करने के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहला फैसला होगा कि जाति जनगणना करा करके जाति के हिसाब से लोगों का सहयोग और मदद करने का काम, और उनको आबादी के हिसाब से मदद करने का काम होगा। बताओ जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये हमारे शुभचिंतक हैं बीजेपी वाले तो बताओ जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? क्या डर लग रहा है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो? ये डरे हुए हैं क्योंकि जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही जाति जनगणना होगी सबको अपनी अपनी सच्चाई पता लग जाएगी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं कि हमारे मंत्री जी आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, शंखलाल माझी जी, शंखलाल माझी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम मंच के लोगों से भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करो और सरकार बनाओ, और अपनी जनता से भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करो। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि विकास में आपका क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा, हम शंखलाल जी के माध्यम से आपके क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं
कि 17 जातियों का इन्होंने बहुत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। आने वाले समय में अगर हमें जनगणना कर करके उनको जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उनका सम्मान देना पड़ेगा, तो हम सम्मान देने का काम भी करेंगे। वहीं जब कभी भी हक और सम्मान की लड़ाई थी, तो मुझे याद है कि शंकरलाल मांझी जी ने हक और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। लगातार हक और सम्मान की लड़ाई लड़ाने में और हमारी मदद करने में इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। लोग कहने लगे हैं बाहरी है, लोग कहते बाहरी है, बाहरी तो बाबा जी हैं, बताओ हैं बाहर करके नहीं है बाबा जी, ये तो हमारे घर के हैं, ये तो हमारी नाव को निकाल देंगे, पार कर देंगे, बताओ हमारी नाव को पार करोगे कि नहीं कराओगे, वो तो बाहर के हैं, कहां के हैं बताओ आप। और जो घोर परिवारवादी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर बाबा मुख्यमंत्री जो आज जिस जगह बैठे हैं, अगर इनके रिश्तेदार न वहां बैठे होते तो शायद इन्हें वो भी सम्मान नहीं मिलता। अगर कोई परिवारवादी है तो भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री जो मठ में बैठे हैं वो भी परिवारवादी हैं। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने का चुनाव है, ये चुनाव बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है, ये चुनाव जहां लोकतंत्र को बचाने का है वहीं संविधान हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा उसके लिए भी चुनाव है। इसलिए हम अपने आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, किसान भाइयों से मदद मांगने आए हैं और सहयोग मांगने आए हैं कि ये केवल एक चुनाव विधायक बनाने का नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने का है। इसलिए सरकार बनाने में मदद करो, और न केवल आपकी उम्मीद है कि सरकार काम करेगी, बल्कि हमारे बैठे शिक्षा मित्र जानते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इनको भी सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनको याद होगा जिस समय समाजवादी सरकार थी, इनको सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनका सम्मान छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा के लोगों ने इनका सम्मान छीना है। हम अपने शिक्षा मित्रों कह के जा रहे हैं, सरकार बनवाओ, अपना बूथ जितवाओ, आपको दोबारा सम्मान कर करके नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे, सरकार ने सुनाई नहीं, अनदेखी कर दी, कोई मदद नहीं की। यहां जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, वो जानते होंगे 3 साल में बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। आज कोई पढ़ाई कराने के लिए तैयार नहीं, उनका भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा अगर नौकरी कहीं खाली है तो हमारे शिक्षा विभाग में हम बीएड टेट वालों को समायोजित कर करके इनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये भर्ती वाली बात तो हम कह ही चुके हैं, ये दौड़ दौड़ के थक गए और 3 साल में इनकी उम्र भी बढ़ गई। अगर हमें उम्र की सीमा में भी छूट देनी पड़ेगी तो इन नौजवानों को उम्र में सीमा छूट दिलाने के लिए मदद करेंगे। मदद करेंगे जिन्होंने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि समाजवादी लोग अब 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। आपको 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी, कोई भी सिंचाई के लिए पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। ये लोग जो राशन बांट रहे हैं बीजेपी वाले, पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक और अब कह रहे हम देंगे मार्च तक, बताओ आपको भरोसा है कि मार्च के बाद देंगे कि नहीं देंगे।
और जो लोग पत्रकार साथी हैं वो जानकारी कर लें, दिल्ली का बजट और यूपी के बजट में मार्च के बाद राशन के लिए कोई बजट नहीं रखा गया है। राशन का बजट उड़ा दिया इन्होंने, इसलिए हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनाओ और 5 साल राशन पाओ। राशन देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। आप साइकिल की बटन दबाओ और राशन पाओ। केवल राशन नहीं, हमें अगर सरसों का तेल देना पड़ेगा 1 लीटर, 1 लीटर घी देना पड़ेगा और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देना पड़ेगा तो समाजवादी लोग सरकार में आपको देने का काम करेंगे। इधर हमारे गरीबों का बहुत दिनों से मुंह मीठा भी नहीं हुआ, इसलिए चीनी को भी हम लोग गरीब को फ्री देने का काम करेंगे। ये हमारी माताएं बहनें अभी खड़ी थी रस्ते में, मैंने देखा बड़ी संख्या में माताएं बहनें खड़ी हैं। और न केवल यहां पर हम देखते हैं, बहुत गरीबी है। जो मदद मिल रही थी समाजवादी पेंशन से वो भी सरकार ने बंद कर दी, इसलिए अपनी माताओं बहनों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो 1500 महीना हम पेंशन दे करके साल का 18,000 रुपए आपको दे करके सम्मान देने का काम करेंगे। ये बाबा जी कह रहे हैं, कि बिजली बनती नहीं थी, आप बिजली कहां से दे दोगे। हम तो कहते हैं पत्रकार साथियों, आप लोग जागरूक समझदार लोग हैं, आपके बीच में कई बार आए होंगे बाबा मुख्यमंत्री, अगर एक बार भी बिजली का कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो। और हम लेकर के जा रहे हैं, अगर दोबारा आए बाबा मुख्यमंत्री तो उनसे कह दो कि 5 साल आप रटते रहे, नाम नहीं बोल पा रहे हो, कम से कम अब तो बोल दो। उन्होंने अगर एक भी बार कहा हो कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो हमें बता दो, अगर एक भी बार कहा हो तो बताओ। 5 साल हो गए बिजली के कारखाने के नाम नहीं रट पाए। ये आज जो बिजली मिल भी रही है ये समाजवादियों की बनाई हुई बिजली है जो आज बट रही है और दी जा रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और किसानों के लिए बिजली फ्री होगी। और जब से हम लोगों ने बिजली फ्री कहा है भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और वो जान ही नहीं रहे हैं कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 वोल्ट करंट का फैला हुआ है। बताओ 440 वोल्ट का करंट फैला हुआ है उनके खिलाफ क्या नहीं फैला है। आपकी जो एम्बुलेंस थी गरीबों के लिए, बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी। कोरोना के समय आपकी मदद कर रही थी एम्बुलेंस, कोरोना के समय अगर कोई काम कर रहा था तो वही समाजवादी सरकार में जो एम्बुलेंस दी गई थी वही काम कर रही थी। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों की मदद के लिए हमें दुगनी एम्बुलेंस करनी पड़ेगी, तो दुगनी एम्बुलेंस करके गरीबों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये पुलिस के लिए जो 100 नंबर दिया था बाबा जी ने 112 कर दिया, और जब से 112 किया है तब से हमारी पुलिस को कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई। ये डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल कि नहीं। और गौशाला के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आए गौशाला के लिए। बताओ गौशाला में गाय भूखी मर रही कि नहीं मर रही है। गाय भूखी मर गई कि नहीं मर गई। और गौशाला के बगल में ही खोद करके गाड़ दी कि नहीं गाड़ दी। और हमारे बाबा जी के प्रिय जानवर जानते हो कौन है, सांड टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है। बताओ जो लोग सांड को नहीं रोक पा रहे वो उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सबको लैपटॉप बांट दिया। बताओ नौजवान साथियों किसी को लैपटॉप मिला। वो कह रहे थे हमने स्मार्टफोन भी दिया, ये स्मार्टफोन कहीं उन्हीं के तो नहीं है बाबा जी वाले। और वो बांटे इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते।
और उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने कि जहां वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उसके बाद पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। और याद करो, एक नेता जो घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, वो पता नहीं पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, और इधर उन्होंने ऐसी बात कह दी कि जनता लोटपोट हो जा रही है। उन्होंने कहा कि जो इंटर पास करके 12वीं में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंटर कर लेंगे और जो 10वीं में पढ़ने जाएंगे उन्हें हम लैपटॉप देंगे। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये परिवारवादी जो हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, हम परिवारवादी अपने बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं कि हम परिवार के लोग जब घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए, घर परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ सामान लेके जाते हैं, कभी कभी मिठाई लेके जाते हैं। इसलिए जनता ने तो तय कर लिया है कि 10 मार्च को आपको वापस आना है और 11 तारीख की टिकट भी बुक कर ली आपने, हवाई जहाज की लखनऊ से गोरखपुर टिकट बुक कर ली उन्होंने कि नहीं कर ली? तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जब आप लखनऊ से गोरखपुर आओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते आना। ये जानते हो गुल्लू? ये नए लड़के सब जानते गुल्लू कौन है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री गुल्लू? अभी हम सोच रहे हैं कि किसी दुकान से बिस्किट खरीद लें, क्योंकि गोरखपुर जा रहे हैं, अगर वो भूल जाए तो हम ही दिलवा देंगे गुल्लू के लिए बिस्किट लाए हैं। इसलिए साथियों मदद करिए और हमारा सहयोग करिए इन बीजेपी के नेताओं के। अगर आप भाषण सुनोगे तो आप जानते होंगे जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इसलिए बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। हम नौजवानों को कहना चाहते हैं कि आपकी भर्ती से लेकर के नौकरी रोजगार के लिए हम लोग मदद करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि जो समय बदला है, इस समय के बदलने से जो कारोबार और रोजगार नौकरी का तरीका बदला है, अगर हमें बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को स्कूल में, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करा करके, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में कोर्स करा करके, अगर इन्हें हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो ट्रेनिंग भी देंगे, और ट्रेनिंग के साथ साथ हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला रहे हैं कि 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम आईटी विभाग में हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे नौजवान पढ़ लिख करके नौकरी और रोजगार हासिल कर लें। वहीं आज हम आपके बीच में शंखलाल मांझी जी को टिकट दिया है। शंखलाल मांझी जी को टिकट दिया है। मांगने को तो बहुत लोग मांग रहे थे, हमारे ये भी मांग रहे थे, हम नहीं दे पाए और किसी को टिकट। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे सहयोग और मदद की तो अपील कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपनी जनता को किसे कहेंगे कि आप इनकी मदद करो और सहयोग करो। अगर हमें इन्हें सम्मान दे करके मंत्री बना करके आपके बीच भेजना पड़ेगा तो मंत्री बना करके भी भेज देंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये महाराजगंज जिला है जो छूट गया, हम लोग पिछली बार रथ नहीं चला पाए, हम रथ से भी आना चाहते थे आपके बीच, हम लोग रथ के माध्यम से आना चाहते थे लेकिन रथ नहीं चला पाए। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में, जहां पर सरकार बनाने का चुनाव है, उसमें आप शंखलाल मांझी जी की मदद करोगे। इधर मैंने देखा है, सुना है कि बाबा मुख्यमंत्री
हमें दंगेश कह के बुला रहे हैं आजकल कि हम दंगेश हैं। बताओ हमारी शकल देख लो कि हम दंगेश लग रहे हैं, और बाबा जी की शकल देख लो और उनके 12 बज गए कि नहीं बज गए बताओ। और अगर वो कहीं दंगेश को देखना चाहते हैं तो सुबह उठ करके अपना शीशा साफ करके जो देखोगे, जो शीशे में दिखाई देगा वही दंगेश है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर कोई यहां पर कानून को तोड़ने वाले लोग होंगे, अपराध को बढ़ाने वाले लोग होंगे, हमने तो कई मौकों पर कहा कि जिन्हें कानून तोड़ना है, जिन्हें कानून से काम नहीं करना है, वो हमें वोट ना दें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं किसी के साथ भी कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे उसे अपमानित महसूस होना पड़े। हम अपने शंखलाल मांझी जी की मदद करेंगे करेंगे, वहीं क्षेत्र का विकास कराने का काम भी हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए, राय बना लो और इन्हें जिता करके भेजो। बताओ सरकार बनाने के लिए जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे भूल तो नहीं जाओगे? कितने दिन इंतजार करोगे? हम लोग आखिरी बार कब जीते थे? यहां 15 में जीते थे, इन्हें बाई इलेक्शन में जिता लिया था, इन्हें तब जिता लिया था जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहां की जनता ने मन बना लिया, कार्यकर्ता नेताओं ने मन बना लिया तो हमारे शंखलाल मांझी भी जीत जाएंगे। इसलिए राय बनाकर के अब चुनाव में समय नहीं है। आप क्या बाबा मुख्यमंत्री को दोबारा देखना चाहते हो? दोबारा सांडों को देखना चाहते हो? और ये भर्ती नहीं हो पाई नौजवानों, जो भर्ती आप चाहते हो, अगर भर्ती हो जाए, बीएड टेट वाले चाहते हो कि नौकरी मिल जाए, और शिक्षा मित्र वालों चाहते हो कि सम्मान मिल जाए, तो साइकिल का चुनाव चिन्ह मत भूलना। भूलोगे तो नहीं। और अगर नौकरी रोजगार चाहते हो तो समाजवादियों की मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।